अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की नेमतें भी खिलाए और जन्नत की भी नेमतें खिलाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और दोनों जहाँ की बहारें और बरकतें दिखाए। आज जो ऐसी रेसिपी है कि आप अगर इसे पिएंगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, आपको इतनी ताकत मिलेगी कि रोटियों के बराबर में बल्कि इससे ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी इंशाल्लाह, और आप पी के बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। आइए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना लेंगे और ये बनाना बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी को भी दूर करते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट बनाना, इसके अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो हम ज़्यादा बनाना लेंगे, अगर कम बनाना है वन तो फिर वन बनाना, अगर आपको टू ग्लास बनाना है टू बनाना। हमने रेसिपी में अब इसके अंदर बनाना एंड यॉगर्ट, शुगर, चीनी, क्रीम और ये शहद, हमारा एज अ चॉइस है शुगर डालना चाहिए या शहद डालना चाहिए, एंड हमारी मिल्क टू कप टू ग्लास, ओके एज अ चॉइस है जितना आपको बनाना हो। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टू स्पून यॉगर्ट एंड टू स्पून क्रीम और शुगर एज अ चॉइस है, मैं इसके अंदर 3 चम्मच, ओके क्योंकि मैं इसके अंदर शहद भी डालूँगी। शहद के अंदर हम 1 टीस्पून, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम, ठीक है। मैं इसके अंदर 2 स्पून डाल, अब इसके अंदर मिल्क एंड सेकंड ग्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, बहुत एनर्जीफुल है। ये आराम से आपके हेल्दी गिज़ा भी है एंड ड्रिंक भी है।